झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहां कब आया? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हमें क्या करना होगा ताकि हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है हम करें? परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है जिसे देखकर हम तेरा विश्वास करें? तू क्या करने वाला है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हे प्रभु, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख लिया पर विश्वास नहीं करते। जिस किसी को पिता मुझे देता है वो मेरे पास आएंगे, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, पर अंतिम दिन उन्हें फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। ये तो यीशु है, यूसुफ का बेटा, है कि नहीं? हम इसके माता पिता को जानते हैं, तो वो कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? आपस में कुड़कुड़ाना बंद करो। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर झिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरती है। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। ये व्यक्ति कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओगे, उसका लहू न पियोगे, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है,
और मैं उसमें, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण ही जीवित हूं, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही।